नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट दावेदारी को बड़ा आधार मिल गया है, क्योंकि भारत यूएन के अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। इसके कई फायदे हो सकते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की सदस्य देशों ने भारी समर्थन के साथ 2021 और 2022 के लिए सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल की गैर स्थायी अर्थात नॉन परमानेंट सीट के लिए भारत का चुनाव किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने इस बात की जानकारी दी। भारत को 192 वैध वोटों में से 184 वोट मिले। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इसके लिए बधाई दी है, क्योंकि भारत एशिया प्रशांत श्रेणी की सीट से 8वीं बार गैर अस्थायी सदस्य बना। बहुपक्षीय प्रणालियों में सुधार के लक्ष्य के लिए भारत मुहिम चलाएगा। भारत इस कार्यकाल का बेहतर उपयोग करके अपनी अहमियत साबित करेगा। भारत लॉबिंग के जरिए स्थायी सीट के अपने दावे को आगे बढ़ा सकेगा। हम आपको बता दें कि यूएन सीट के लिए दावेदार 7 देशों में भारत 2021 और 22 के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में निर्विरोध था। भारत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के एशिया प्रशांत समूह का समर्थन प्राप्त करने वाला एकमात्र उम्मीदवार था और इस मुकाबले में कोई देश नहीं आया। इसके चलते 15 सदस्यीय परिषद में 5 अस्थायी सीट में से एक के लिए भारत चुना गया। इसके लिए यूएन में कुछ राजनयिकों ने बेहतर लॉबिंग की। इस तरह की लॉबिंग से मिली सफलता के बाद अब भारत का आत्मविश्वास बढ़ गया है। भारत को उम्मीद है कि यूएन के सुरक्षा परिषद के विस्तार में एक अस्थायी सीट के लिए अपनी दावेदारी को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने 8वें कार्यकाल का उपयोग करेगा। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक नए सदस्य को 2/3 वोट जीतने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि सभी 193 देशों के वोटों के अनुसार 128 वोट मिलने ही चाहिए। बहरहाल अब अस्थायी सदस्यता हासिल कर भारत सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनने की मुहिम और तेज करने की पहल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। 192 रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी 128 नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेंड इंडिया 184। हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।